भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में बुरी तरह हराया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 200 रनों से जीत दर्ज की। यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला था, क्योंकि इससे पहले सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाकर 151 रन बनाए। मैच में टीम की तरफ से 450 लगी। स्टार ओपनर शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन वो शतक से चूक गए। उन्होंने 92 गेंदों पर 85 रन बनाए। संजू सैमसन ने 41 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 64 गेंदों पर 77 रन बनाए। आखिर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने कमाल दिखाया और उन्होंने भी आतिशी 50 जमाई। पांड्या ने 52 गेंदों पर 70 रन की नावाद तूफानी पारी खेली। वेस्टइंडीज की ओर से कोई भी गेंदबाज हावी नहीं हो सका। रोमारियो शेफर्ड ने 2 विकेट लिए, जबकि अल्जारी जोसेफ, गुड़ाकेश मोती और यानिक कारिया ने 1-1 विकेट लिया। यहां मैच और सीरीज जीतने के लिए वेस्टइंडीज के सामने 352 रनों का टारगेट था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे मेजबान टीम बिल्कुल भी नहीं टिक सकी। जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 35.3 ओवर में 151 रन बनाकर ढेर हो गए। मेजबान टीम के लिए गुड़ाकेश मोती ने 39 और एलिक अथानाजे ने 32 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि मुकेश कुमार को 3 विकेट मिले। कुलदीप यादव को 2 सफलता मिली। तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को 1 विकेट मिला। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए बाबा क्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करें।